वेलकम टू माई YouTube चैनल लर्न ब्रेल विद फातिमा खान। आज हम पढ़ेंगे स्वाद तागाफ के हरूफ से बनने वाले कुल लफ्जी मुखफ़ाफ़ात। स्वाद सिर्फ, ज़्वाद ज़ाया, तोय तरह, ज़ोए से कोई कुल लफ्ज़ नहीं बनता, एन से ईसवी और अलैहिस्सलाम, गैन से गर्स, फे से फ़र्स, काफ से कबल, काफ कहे, गाफ अगर। सॉरी, मेरे पास कुछ वर्ड मिसिंग है, बट इनकी करेक्शन मैं आपको बता दूंगी। जैसे काफ से है कबल, काफ से कहे, कौफ यानी जो दो नुक्तों वाला है उससे है कबल, और जो दूसरा डंडी वाला काफ है उससे है कहे, और गाफ से है अगर। अब यहाँ पे हमारे पास ईसवी और अलैहिस्सलाम, एन जो है जहाँ पे भी अकेला होगा तो उसके दो मीनिंग होंगे, या तो वो ईसवी होगा या अलैहिस्सलाम होगा। तो ईसवी और अलैहिस्सलाम हमें पता कैसे चलेगा कि आया हमने ईसवी लिखा हुआ है, क्या हमने अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है? हम इसकी पहचान कैसे करेंगे जब इंक प्रिंट में हमारे पास आया हुआ हो, या हम और ब्रेल में कन्वर्ट होके, मतलब अब हम रीडिंग कर रहे हैं और आइन लिखा हुआ है, तो अब हम उसको ईसवी पढ़ें कि आइन को अलैहिस्सलाम पढ़ें? तो उसका मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जहाँ पे किसी सदी की बात होगी, कोई सन होगा, यानी कोई बताया जाएगा कि फ़लाँ डेट को, यानी कोई डेट मेंशन की गई होगी, तो वो ईसवी होगा। और जाहिर सी बात है, आपको पता है अलैहिस्सलाम हमारे जो पैगंबर है, या मतलब ये जो अलैहिस्सलाम है ये मज़हबी इख्तसारात में यूज़ होता है, और सबसे बड़ी बात इसके बाद फुल स्टॉप आता है। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पर लफ्ज़ ईसवी लिखा हुआ है कि अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है।